What's up guys, I hope you are doing well. I am sankitrathee, welcome to Tabletopper. देखिए आज जो टॉपिक हमारा वो क्या है, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज कौन से होंगे, जो रिसोर्सेज हमें बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता क्यों, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कम अमाउंट में है या फिर हम उसको इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि वो क्या होने वाले, ख़त्म होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा था हमने कौन से रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। उससे पहले ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पढ़े हमने, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े, अब जो है वो क्या आएगा, कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज मीन्स वो रिसोर्सेज जो हमने क्या करने, कंजर्व करने, बचा के रखने हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्विंग रिसोर्सेज का, कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, इज द केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब उनका बचाव करके रखना हमने किसका, रिसोर्सेज का, सो दैट दे कैन परसिस्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। देखिए हमें उनको बचाना क्यों होता है, हम किसी चीज़ को बचा के क्यों रखते हैं। घर पे क्या है, मान लीजिए आपके पापा क्या लेके आए, आपके लिए मैंगो लेके आए, आपने खा लिया, आपकी मम्मी ने खा लिया, आपकी बहन ने खा लिया, मम्मी क्या बोलेगी, एक छोड़ दो, क्यों, पापा के लिए बचा के रखना है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, हम उनको कंजर्व करते हैं। क्यों करते हैं कंजर्व, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे उनके बच्चों के बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे के बच्चे के बच्चे होंगे, वो क्या करे, उन सबको यूज कर सके। आगे ना समझ में, इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको कंजर्व करते हैं। ठीक, इसमें किस किस चीज को हम कंजर्व करेंगे, स्पीसीज होगी, स्पीसीज मीन्स देखिए मैंने बताया था ना, वैरायटी ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड, सॉरी वैरायटी ऑफ स्पीसीज नहीं, वैरायटी ऑफ एनिमल स्पीसीज इज कॉल्ड फ्लोरा या फना, यस फना, और वैरायटी ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स क्या कहलाएगा, फ्लोरा। क्लियर, जब हम इन चीजों को बचा के रखेंगे आगे आने वाले जनरेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको कंजर्विंग रिसोर्सेज बोलेंगे, उन रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी, और कौन कौन से जो ऐसे डिप्लीट हो सकते हैं, कोयला हो गया, मिनरल्स हो गए, आगे ना बात समझ में, चलिए, या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल होगी। न्यूट्रिएंट साइकिल कौन सी होगी, कि एक न्यूट्रेंट जो है वो एक स्पीसीज से या फिर एक ह्यूमन बींग से या फिर एक एनिमल से दूसरे एनिमल में या दूसरी थिंग में क्या कर रहे, सर्कुलेट होता रहे, उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रेंट साइकिल। जैसे मैंने बताया था ना, जो फूड चेन होती थी, फूड चेन जिसमें क्या थी, एनर्जी का फ्लो हो रहा था, उसमें क्या होंगे, न्यूट्रेंट्स भी तो फ्लो होंगे, उसी को बोलेंगे हम क्या, न्यूट्रेंट साइकिल। इन सब चीज़ों को हम जब बचा के रखेंगे तो उसको बोल देंगे हम कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से थे, एयर, मिनरल्स, प्लांट्स, सोयल, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ, इन सबको हमें क्या करना है, बचा के रखना है। देखिए वाइल्ड लाइफ की बात करूँ तो हमारी कंट्री के अंदर एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 के अंदर। उसके अंदर क्या करा था कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ है जो कि खत्म होने वाली, उनको क्या करना, हमें प्रोटेक्ट करना है। ठीक, इसी वजह से IUCN ने क्या बना, एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या बताती है कि ये चीज़ हमें बचानी है, और ये क्या है, ये क्या करती है, एक लिस्ट जारी करती है, उसके अंदर ये बताएगी कि कौन सी चीज़ कितनी, किस स्टेज के ऊपर है, ख़त्म होने की स्टेज पे है, या फिर उससे और कौन कौन सी स्टेज होती है, जैसे वल्नरेबल होगी, क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज होगी, इंडेंजर्ड स्पीसीज होगी, इन कैटेगरीज में क्या करती है, डिवाइड करती है। IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है ये सारी चीजें। चलिए अब बात आई, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था क्या, कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैंने एक ओवरव्यू दिया था आपको, राइट। अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या चीज, उसको देखिए, केयरफुल यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट। देखिए हमारी जो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के अलावा हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है, इसको बोलेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, ओके। देखिए ये सारी चीज़ें क्यों, देखिए आपकी बुक में एक स्टोरी दे रखी है कि जो मोना है उसको क्या आया था, एक सपना आया था बहुत ज़्यादा डरावना, कि सब कुछ जमीन जो होगी वो बंजर हो गई, सब पेड़ पौधे, सब एनिमल्स वो क्या हो गए, मर गए। ये ऐसी कंडीशन हो सकती है अगर हम क्लाइमेट को ना रिजर्व करें तो,
ठीक है, इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, अपने क्लाइमेट को बचा के रखना चाहिए, जितना हो सके उतना रिसोर्सेज को कम से कम यूज़ करें, ताकि हम इतना ही यूज़ करें ताकि हमारी नीड पूरी हो जाए, ग्रीड पूरी ना नहीं करनी हमें। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर मीट एनी वंस नीड बट नॉट ग्रीड। ग्रीड क्या होगी? लालच। लालच पूरा करने के लिए धरती के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसकी जरूरत को पूरा करना हो तो बहुत कुछ है। आगे बात समझ। चलिए अगली जो है, हम रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। कंजर्व कैसे कर सकते हैं? लाइक देखिए, रेन वाटर है, उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। हमें हार्वेस्ट किस किस चीज को, सॉरी, हमें कंजर्व किस किस चीज को करना है? जैसे वाटर हो गया, क्यों? क्योंकि अमाउंट बहुत कम है। मिनरल्स हो गए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे, ये दोनों क्या है? मिनरल्स है। ठीक, अब इनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक, सोलर एनर्जी, ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। बायोगैस एनर्जी, ये सारी चीज यूज कर सकते हैं इसकी बजाय। पानी को कंजर्व करने के लिए ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं हम, ऐसे पंप पाइप लगा के नीचे हम किस में, टैंक में क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। एक जो हम फंडा यूज करते हैं, कौन सा फंडा, कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं रिसोर्सेज को। देखिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये आपने बहुत ज्यादा बार सुना होगा ये वर्ड। क्यों करते हैं हम इसको? देखिए, जो भी हमारी चीज पोल्यूशन करती है ना, पोल्यूशन, उसको हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। लाइक प्लास्टिक बैग हो गए, पेट्रोल हो गए, डीजल हो गया, कोयला हो गया, इनको हमें रिड्यूस करना चाहिए। और अगर हम इनमें से कुछ को रीयूज कर सकते हैं तो उसे रीयूज भी करना चाहिए। लाइक प्लास्टिक हो गया, मेटल के स्क्रैप्स हो गए, जैसे कि हमारी मेटल्स क्या हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, उसको रीयूज करना चाहिए। रीयूज प्लास्टिक को कैसे कर सकते हैं हम? लाइक देखिए, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल आई, हमने कोक पिया, फिर उससे हम रीयूज कैसे कर सकते हैं उस प्लास्टिक की बोतल को? मान लीजिए हमने उसको आधा काट के और क्या बना दिया, ऐसे उसके अंदर पौधे लगा दिए, ठीक, और कुछ यूटेंट, कुछ सामान बना लिया उसका, ऐसे क्या कर सकते हैं हम, उसको रीयूज कर सकते हैं। और रिसाइकल, अगर हमें ये यूज ना करना हो तो हम उसको क्या बोल कर देते हैं, कबाड़े वाले को भेज देते हैं, वो क्या करेगा, उसको फैक्ट्री के अंदर लेके जाएगा, वहां पे क्या होगा, उसका रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल मीन्स उसको दोबारा से उसी प्लास्टिक को यूज करके एक नई बोतल बनाई जाएगी। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर ये सारी चीजें। चलिए अब जो है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मैंने क्या बताया था आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गोल्स होंगे क्या, गोल्स एक ऐसे एम होंगे जो हमें लाइफ में अचीव करने हैं, ऐसा पॉइंट है जो हमें लाइफ में अचीव करना है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड पूरा करना होता है इसको। पहला क्या होता है कि किसी भी देश में कोई भी गरीब ना रहे, ना कोई भूखा सोए, उसकी हेल्थ और वेलबींग अच्छी रहे, उसको अच्छी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वलिटी हो, मतलब लड़का और लड़की में भेदभाव ना हो, उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पीने का भी साफ पानी चाहिए। देखिए, ये भी हमारा गोल है, जबकि हमारी अर्थ को क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, कितना ज्यादा पानी है हमारी अर्थ के ऊपर, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, सैनिटेशन मीन्स जो पीने लायक पानी है वो बहुत कम है, इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, उसको कंजर्व करना चाहिए। हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर सिक्स्थ गोल जो है वो इसी के ऊपर बात करता है। उसके बाद क्लीन एनर्जी की बात आ गई, डिसेंट वर्क की बात आ गई, ये तो है, ये थोड़े से आपके हाई लेवल के होंगे, आपके जो बेसिक बेसिक है वो ये देख लीजिए, ठीक, एक बार आप इसको पॉज करके एक बार इसको सारे को पढ़ लीजिएगा। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, किस प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क कर रहा है, किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा, रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ये नहीं कि हम, देखिए हम ह्यूमंस हैं, हम क्या कर देते हैं, कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं, या फिर जैसे कि एनिमल्स को भी मार देते हैं, हंटिंग करते, तो ये गोल्स क्या कह रहे, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस है इसका। पहला प्रिंसिपल क्या है कि सभी लाइफ की फॉर्म की हमें रिस्पेक्ट करनी है, ये नहीं कि हम हंटिंग करें, किसी भी जानवर को मार दें या फिर दूसरे ह्यूमन बींग को मार दें। इसके लिए क्या कर रखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1970, या बता दीजिएगा इसके अंदर क्या आएगा, ठीक। और दूसरा क्या है प्रिंसिपल इसके, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ इंप्रूव कैसे हो सकती है,
good environment provides the good quality of human life. Clear? और अगर मैं बात करूं अपने इंडिया के अंदर आर्टिकल 21 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 21 है, ये क्या कह रहा है कि हमें क्या राइट है, राइट टू डिसेंट लाइफ, हमें अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है, ये क्या हमारा फंडामेंटल राइट, क्या है फंडामेंटल राइट, आपको पता चल जाएगा फंडामेंटल राइट क्या होंगे कब, तब आप पढ़ोगे क्या पॉलिटी, क्लियर। तीसरा क्या है, कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, इट मीन्स जितने भी जानवर हैं या प्लांट्स हैं हमें उसको क्या करना, कंजर्व करके रखना, ये नहीं कि कोई एक चीज़ खत्म हो गई, जैसे डायनासोर्स थे पहले वो क्या हो गया, अब खत्म हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन दोबारा ना बने तो हमें क्या करना पड़ता है कि उन सब चीज़ों को कंजर्व करके रखना पड़ता है। जैसे टाइगर है, इसकी क्या हो रही है, जो इसकी पॉपुलेशन है वो बहुत कम होती जा रही है, हमें इसको क्या करना है, कंजर्व करना है। ठीक, कंजर्व कैसे करेंगे, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना देंगे या फिर नेशनल पार्क बना देंगे या फिर बायोडाइवर्सिटी रिजर्व बना देंगे, ऐसी चीज़ें बना बना के हम क्या करते हैं, इनको कंजर्व करते हैं। ठीक, मिनिमाइजिंग द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कोल पेट्रोलियम हो गया, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को हमें कैसे बचाना चाहिए, उसके खिलाफ उसका एटीट्यूड चेंज करना, ये नहीं कि हमें जहाँ कहीं पर देखा वहीं पर रैपर फेंक दिया, कूड़ा फेंक दिया, इन चीज़ों से हमें क्या करना, बचना है। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, हमें क्या करना है कि जो कम्युनिटी है उनको क्या सिखाना पड़ेगा कि हम वो खुद कैसे अपना एनवायरनमेंट कंजर्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए ये था हमारा टॉपिक, मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर लाइफ, जय हिंद।